आप समझते हैं कि अब भी मियां नवाज शरीफ बीमारी का बहाना कर रहे हैं, लंदन जाना चाह रहे हैं, या आपका भी अब कुछ माइंड बदल गया है? मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अगर बीमार हैं और डिमांड कर रहे हैं कि उनका इलाज हुआ जाए तो बिल्कुल बजा है, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स उनको देना चाहिए इलाज, और उनको फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है, लेकिन मेरे ख्याल अकॉर्डिंग टू द रूल्स से बढ़ के की है, और जिसकी वजह से एक उनके जो साथी हैं, और अभी आप पूरा ये प्रोग्राम भी देखेंगी जिसमें कहा जाएगा कि बहुत कम दिया है, लेकिन जो 22 करोड़ आवाम है, और हमें वो पोर्टल पे जो कंप्लेंट पोर्टल है, हज़ारों कैदियों के रिश्तेदारों की और माँ बाप की जो इससे भी बुरी हालत में है, वो कहते हैं कि जी हमारे लिए स्पेशल यूनिट क्यों नहीं है, वो पूछते हैं कि जी हमारे लिए चार चार बोर्ड क्यों नहीं बने, वो पूछते हैं कि जी हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि हम खुश हैं कि नहीं हैं। तो मेरे तो ख्याल में कि जो लॉ है उससे बहुत बढ़ के हो रहा है, और यहाँ अभी आप देखना, मैं पिछले 2 हफ्ते से देख रही हूँ सारे टेलीविजन चैनल्स पर, एक बंदे ने आवाज़ नहीं उठाई उन 22 करोड़ के लिए कि भाई एक आप उन हॉस्पिटल्स को जिनको आप रद्द कर चुके हैं, आप रद्द कर चुके हैं कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं। आपको पता है सिंध वालों ने भी कहा कि इधर आ जाएं आप, अगर आप पंजाब से खुश नहीं हैं, वहाँ भी नहीं गए। मैं पूछती हूँ इनसे कि शरीफ मेडिकल सिटी है पूरी, इन्होंने खुद बनाई हुई है शरीफ मेडिकल सिटी, उस पर भी एतबार नहीं, वहाँ भी नहीं इलाज कराना। इत्तफाक हॉस्पिटल है जो कि मॉडल टाउन के साथ इनके घर के साथ है, उस पर भी इलाज नहीं कराना। एक डॉक्टर नहीं ऐसा जिस पर एतबार है, एक फैसिलिटी नहीं ऐसा जिस पर एतबार है, एक बोर्ड नहीं ऐसा जिस पर एतबार है। और तो और जब अभी और शामी साहब साथ थे जब नवाज शरीफ साहब से उन्होंने पूछा कि जी आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहते, आप कहते हैं कि यहाँ फैसिलिटी कर दी जाए, मरियम ने कहा है कि यहाँ फैसिलिटी कर दी जाए तो कर दी हमने, तो आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहते? उन्होंने कहा जी यहाँ का माहौल हॉस्पिटल्स का अच्छा नहीं होता, बड़ा डिप्रेसिव होता है, और मैं उस डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता।